नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ज्योति गोयनका भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार करती हूँ। आज श्री हरि की कृपा से आमल की एकादशी व्रत की पावन कथा आप सबके समक्ष कहने जा रही हूँ। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक समय मानधाता जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से प्रार्थना पूर्वक यह प्रश्न किया, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों में वर्णित अत्यंत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण व्रत के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह व्रत अत्यंत ही मंगलकारी और शुभ माना गया है। इस व्रत का नाम आमल की एकादशी है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की अर्थात आंवला। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया। उसी समय उन्होंने आंवले वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले वृक्ष के प्रत्येक अंग में भगवान विष्णु का स्थान माना गया है। अतः आमल की एकादशी का यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पावन कथा को सुनाने जा रहा हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है, वैदिश नाम के एक नगर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बहुत ही सुख पूर्वक निवास करते थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर के लोग वैदिक कर्मों का अनुष्ठान सदा ही किया करते थे। वेद ध्वनि से यह नगर सदा गूंजता ही रहता था। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्र रथ नामक एक धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया। यह राजा अत्यंत ही पराक्रमी शूरवीर धनवान तथा शास्त्रों का ज्ञाता था। इस राजा के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी और धनवान थी। इस राज्य की सारी प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति करती थी तथा सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास में शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का पावन दिन आया। यह एकादशी महाफल देने वाली है ऐसा जानकर उस नगर के बालक वृद्ध युवा स्त्री व पुरुष तथा स्वयं उस राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान इत्यादि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ मंदिर में धूप और दीप प्रज्वलित कर आंवले वृक्ष तथा भगवान विष्णु की विधिवत पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा ने अपनी समस्त प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा का श्रवण किया और रात्रि जागरण भी किया। उसी संध्या एक शिकारी भी शिकार करते करते उसी मंदिर के समीप आ पहुंचा। दीप मालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा एकत्रित होकर हरि कीर्तन करते हुए
और रात्रि जागरण करते हुए वह देखकर शिकारी सोचने लगा, यह सब यहाँ क्या हो रहा है। उस शिकारी के पिछले जन्म के किसी पुण्य के कारण ही उसने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के दर्शन किए और एकादशी का महात्म्य सुना। वह शिकारी भूखा प्यासा था और एकादशी के दिन उसने भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा और एकादशी की व्रत कथा का श्रवण किया तथा रात्रि जागरण भी किया। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी के द्वारा आमल की एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। कुछ समय के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु उस एकादशी व्रत के पुण्य के कारण उस शिकारी ने दूसरे जन्म में धन संपदा, सेवा सामंत, हाथी घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की एक नगरी के विदुरथ नाम राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 100,000 गांव का महापत्य करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक समय की बात है, वह शिकार खेलने वन में गया और वहां मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह शिकारी वन में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन उस सोए हुए राजा के समीप आए और राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले हुए थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि यह वही व्यक्ति है जिसने उनके माता पिता, पुत्र पौत्र इत्यादि का वध कर दिया था और इसी के कारण वे सब अवन में भटक रहे थे। परंतु तभी एक आश्चर्य हुआ कि उन लोगों द्वारा चलाए हुए शस्त्र तथा तीर उस राजा को ना लगकर उसके इर्द गिर्द नीचे गिरने लगे और इस प्रकार उस राजा को एक खरोच तक भी ना आई। यह देखकर वे सभी मलेच्छ अत्यंत भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे ना बढ़ा सके। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी प्रकट हो गई। वह भीषण भुकटे युक्त क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से भरी हुई थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही उन सभी मलेच्छों का वध कर डाला। कुछ समय के पश्चात जब उस राजा की नींद खुली तो उसने यह भयानक हत्याकांड देखा और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने विचारने लगा कि मेरे इन शत्रुओं का वध कर किसने मेरी रक्षा की है। वह जो भी हो, मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, शरणागत रक्षक और शरणागत पालक भगवान श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। इस आकाशवाणी को सुनकर वह राजा अंतिम प्रसन्न हुआ और भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर अपने राज्य में वापस आ गया तथा श्री हरि की आराधना में अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगा। अंत में वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य आमल की एकादशी का विधिवत व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, वे मनुष्य जन्म जन्मांतर तक
भगवान विष्णु की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। बोलो जय श्री नारायण। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहती हूँ। जो जातक एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, वे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।